हाथरस जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हुए घटनाक्रम के बाद राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने कहा, हाथरस की बेटी के परिजनों के आंसू पहुंचने जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ यूपी पुलिस ने धक्का मुक्की की, उन्हें गिरफ्तार किया, जो निंदनीय है। लोकतंत्र में आवाज़ों को दबाना अहंकार की निशानी है। यूपी सरकार का अहंकार चकनाचूर होगा। सचिन पायलट ने देश की बेटियों के लिए न्याय की बात लिखी। ट्विटर हैंडल पर योगी सरकार पर निशाना साधते सचिन ट्वीट करते हैं, आपको बता दें हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर चल रही सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस नेताओं और यूपी पुलिस में टकराव की स्थिति बन गई। पैदल मार्च करते हुए हाथरस की ओर जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने रोक लिया। ग्रेटर नोएडा बॉर्डर पर पुलिस ने दोनों नेताओं को रोका। इस बीच राहुल गांधी को रोकने की पुलिस ने कोशिश की। राहुल गांधी से पुलिस की धक्का मुक्की की तस्वीरें वायरल हुई। इस दौरान राहुल गांधी जमीन पर गिर गए। जद्दोजहद के बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को हिरासत में लिया। खुद राहुल गांधी ने इसका विरोध किया। पुलिस ने राहुल के साथ प्रियंका को जीप में बैठाया। इससे कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए, जीप पर चढ़ गए, उसी जीप पर चढ़े जिसमें राहुल और प्रियंका बैठे थे। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं पर लाठीचार्ज किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हटाने के बाद यूपी पुलिस इन दोनों को हिरासत में ले गई। यूपी पुलिस ने यह बताने से इनकार कर दिया है कि राहुल और प्रियंका को जीप में बैठाकर वो कहां लेकर गए हैं। पुलिस का कहना है वो आदेश के मुताबिक काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बन सकती है, इसलिए उन्हें नहीं जाने दे रहे। राहुल गांधी का कहना है आखिर उन्हें क्यों नहीं जाने दे रहे, वो अकेले जाने को तैयार हैं फिर भी नहीं जाने दिया। यूपी पुलिस और सरकार को किस बात का डर है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।